अंचल मौजूद हैं अभी, उन्होंने उनसे हमने अर्निंग्स का ब्यौरा लिया था। अब जान लेते हैं कि जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं टीसीएस पोस्ट अर्निंग्स, वो क्या कह रहे हैं, बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है नतीजों के बाद, उन्होंने अपनी होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट देने 2400 का, दो तीन ट्रिगर्स दिए। पहला तो कहा है Q2 आई जो रही है वो अनुमान से कम रही है, मार्जिन में मजबूती जरूर रही है, लेकिन उनका यह मानना है कि जो ग्रोथ कमजोर रही है उसके चल जो ग्रोथ है वो ट्रेजेक्ट्री कमजोर है और आगे चल के वो मार्जिन को हिट कर सकता है, और इस मार्जिन को मेंटेन करना आने वाले क्वार्टर्स में काफ़ी मुश्किल रहेगा कंपनी के लिए, और वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा दिखना हो Q3 Q4 में कैसे कंपनी मैनेज करती है। डॉइचे बैंक ने TCS के ऊपर बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट 3000 से घटा के 2900 किया, 100 रुपये टारगेट को ट्रिम किया गया है। ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर्स के चलते डेफिनेटली क्रॉस करेंसी इंपैक्ट कंपनी के रेवेन्यूज पर आता हुआ दिखा है। आगे बड़े ट्रिगर्स में ब्रेक्जिट रहेगा, US इलेक्शंस रहेंगे और लो इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए आने वाले दिनों में ये तीन बड़े ट्रिगर्स रह सकते हैं Q3 Q4 के लिए। और साथ ही उन्होंने जो FY17 का अनुमान है डॉलर आय का उसको ट्रिम किया, उन्होंने 7.1% की ग्रोथ का एस्टिमेट अब लगाया है डॉलर आय में FY17 के लिए। क्रेडिट स्विस ने TCS के ऊपर अपनी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है, 2500 का लक्ष्य दे रहे हैं। ओवरऑल जिस तरह से घरेलू बाजार में प्रेशर है वो जारी रहता हुआ दिखेगा और वो एक कंसर्न फैक्टर रहेगा कंपनी के लिए, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि जो रिटेल और BFSI सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्ट्स टाले गए थे Q2 के अंदर नहीं आते हुए दिखे थे, वो आगे चल के ईज आउट होते हुए दिख सकते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को वापस मिलते हुए दिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं FY17 से ज़्यादा बेटर वो उम्मीद कर रहे हैं FY18 कंपनी के लिए होता हुआ दिखेगा। और लास्टली सिटी ने TCS के ऊपर बिकवाली की सलाह दी है, लक्ष्य 2315 से घटाकर अब 2155 यानी 2155 रुपये किया है। साथ ही FY17 से 18 का EPS अनुमान भी घटाया है, FY17 के लिए 1% और FY18 के लिए 2% EPS अनुमान को घटाया है। ओवरऑल डॉलर रेवेन्यूज प्रेशर में रहे हैं, डॉलर ग्रोथ जो रही है वो काफ़ी कम रही है, वो एक चिंता का विषय है। मार्जिन्स डेफिनेटली इंप्रूव हुए हैं लेकिन इन मार्जिन्स को मेंटेन करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा कंपनी के लिए, और आगे चल के ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से मार्जिन्स और डिप्लीट होते हुए दिख सकते हैं। शुक्रिया अंचल आपका। तो ये हाउस व्यूज़ हैं TCS पर पोस्ट अर्निंग्स, मिक्स्ड व्यूज़ हैं यहाँ पर हाउसेस के, कहीं सिटी की ओर से बिकवाली की राय है तो कहीं खरीदारी की राय दी जा रही है। सिटी ने हालांकि जो टारगेट्स हमको ट्रिम किया है, लेकिन आशीष TCS नहीं लेकिन IT स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा शेयर्स में हम कल एक डिफेंसिव एटीट्यूड देख रहे थे, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके स्पेशली छोटे IT स्टॉक्स में जहाँ पर कल एक स्ट्रांग बाउंस था? दीपाली जी, मैं हम पिछले कई दिनों से हमारे सारे निवेशकों को ये सलाह दे रहे हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको ये सलाह दे रहे हैं कि फिलहाल IT स्टॉक्स में कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको देखना नहीं चाहिए, तो मैं इसके ऊपर व्यू नहीं दूंगा। अगर हमें TCS की बात करने हैं तो यहाँ पे एक मैं अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर इस स्टॉक का चार्ट अगर हम देखते हैं तो करीबन 2740 से लेके ये स्टॉक नीचे करेक्ट हुआ था 2290 तक, उसके ऊपर वापस पुलबैक आया और नीचे जा रहा है, तो ये लोअर टॉप तो बन चुका है लेकिन लोअर बॉटम अभी बना नहीं है, और लोअर बॉटम तभी बनेगा अगर ये स्टॉक 2300 रुपए के नीचे फिसल जाएगा। 2300 रुपए के नीचे अगर यह स्टॉक फिसलता है तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई देगी, जो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी होगी। उस केस में हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 2330 का, और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है वो है 2240 रुपए। कल एक बार स्टॉक्स टू अच्छा थोड़ा सा बाहर निकल के आऊँगा मैं, आई मीन नो डाउट। देखिए ONGC की दीपाली ने बात कर ली, हमने IT की बात कर ली, जरा एक दो गिनर्स को और देखते हैं वो स्टॉक्स जहाँ पे कल थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नजर आती है। लेट्स टेक निफ्टी गिनर्स, उसके बाद स्टॉक्स टू अच्छे क्रम में फिर चलेंगे। लेट्स पिक सम स्ट्रेंथ पॉइंट्स, वो स्टॉक्स जो कल के सेशन में भी नहीं गिरे, जरा गिनर्स की श्रेणी पर आई एग्जैक्टली। अगर आप देखें इसमें सबसे ऊपर था इन्फोसिस, ONGC दोनों बात हो गई है। हीरो मोटरकॉप 3500 का स्तर, एशियन पेंट्स 1216। आई थिंक अगर मैं इन चार स्टॉक्स देखे मैंने, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्टॉक था वो था ONGC और दूसरे पायदान पे था एशियन पेंट्स। बाजार की दिक्कतों से बिल्कुल दूर, बिल्कुल स्मूथ राइड थी इसकी। फॉर ए इन्वेस्टर, नॉट एग्जैक्टली इन्वेस्टर, मीडियम टर्म ट्रेडर, जो ये एशियन पेंट्स का बिहेवियर था ना आशीष, ये सुबह से मुझे अट्रैक्ट कर रहा था और इसने पूरे दिन अपने आप को हायर लेवल पर सस्टेन रखा। इसमें कहां तक का मूव देख रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, आपने एकदम सही स्टॉक देखा है और उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। अगर इस स्टॉक को हम देखते हैं तो पिछले कम से कम 25 ट्रेडिंग सेशन अगर हम देखते हैं, उसका फॉर्मेशन अगर देखते हैं तो एक रेंज बाउंड है और रेंज धीरे 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज के हम ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं, कल की कैंडल देखते हैं तो ऊपर की तरफ खुला था, नीचे आके वापस ऊपर जाके बंद हुआ, तो ये थोड़ा सा एग्जैक्ट
हैमर ऐसा नहीं बना है, लेकिन एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो ऊपर की तरफ ये जो स्टॉक है 1227 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा, जो ट्रेडिंग के लिए अगर कोई निवेशक इसमें निवेश करना चाहता है तो डेफिनेटली आज की तारीख में भी निवेश कर सकता है, क्योंकि अंडर करंट बहुत ही स्ट्रांग है इसका। ट्रेडिंग के हिसाब से 1227 के ऊपर अगर ये स्टॉक आज ट्रेड करना चालू करता है तो इसमें निवेश बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1210 रुपए का, और लक्ष्य जो मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 1260 रुपए का। जी, खबरों में एक लग सर्विसेज है, कंपनी की आज बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक की शर्तों को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है। तो एक लग सर्विसेज आज खबरों की वजह से लाइमलाइट में रहेगा। बीपीओ कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है और एक लग सर्विसेज की बात हो रही है तो मैं साइंट के यहाँ पर बात करना चाहूंगी। हालांकि दोनों कंपनियों का बिजनेस अलग है लेकिन आईटी कैटेगरी में हम इनको प्लेस करते हैं। और साइंट का कल बिहेवियर आप देखिए, पोस्ट अर्निंग्स 11% का मजबूत उछाल, क्योंकि जो नतीजे आए थे वो प्रोजेक्शन से कहीं बेटर रहे थे। सुनील, आपकी राय क्या है? क्वार्टर वन में हमने देखा था नंबर्स प्रोजेक्शन से नीचे आए थे और स्टॉक की इसी क्वांटम में पिटाई भी हुई थी, और इस बार अच्छे अर्निंग्स आए हैं तो रिवॉर्ड भी मिला है, 11% ऊपर कल ये क्लोज हुआ है। अर्निंग्स को आप कैसे एनालाइज करते हैं और कल के मूव के बाद आपका व्यू क्या है साइंट पर, साथ साथ ई क्लर्क सर्विसेज पर भी आपकी स्ट्रेटेजी क्या है अभी? सी देखिए, ओवरऑल आईटी सेक्टर नो डाउट थोड़ा यहाँ से आउटलुक हमारा कोई सेक्टर पे पॉजिटिव नहीं है, बट सीएंट में अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो थोड़ा सा अलग कंपनी है, मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है और जेनरिक जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट है उनके काम नहीं करती है, तो इनके काम में उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना कि दूसरी कंपनियों में आएगा, और वो इस क्वार्टर के रिजल्ट में विजिबल भी था। रेवेन्यू की ग्रोथ थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा थी, इसमें कोई वन ऑफ भी नज़र नहीं आ रहा था, और उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि प्राइजेस पे भी ऑलरेडी विजिबल था। ओवरऑल मैनेजमेंट ने पूरे साल की जो पहले गाइडेंस दे रखी थी वो मेंटेन रखी है, उसको बढ़ाया नहीं है, तो और Q3 जनरली इनका सीजनली थोड़ा वीक क्वार्टर रहता है, तो जो ये Q2 में आया वो Q3 में शायद रिपीट ना हो पाए। तो ओवरऑल आउटलुक डायरेक्शनली पॉजिटिव है, बट यहाँ से कोई रनवे रैली यहाँ के इसके एक 10-12% बढ़ने के बाद में आ जाए ऐसा नहीं लगता है, तो कोई करेक्शन अच्छा आवे तो फिर इस स्टॉक को देखना चाहिए। जी, एक सेटन क्रेडिट केयर, यहाँ भी बोर्ड बैठक है 18 अक्टूबर को और 68 करोड़ के एनसीडीज जारी करने को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है, और एक श्रेयस शिपिंग सब्सिडी एसआरएस फ्रेट की 51% हिस्सा बेचने की योजना है। आशीष, श्रेयस शिपिंग के साथ साथ एक मार्केटर को भी मैं ऐड करना चाहूंगी, वहां पर भी एक फंड एक्शन हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने स्टेक खरीदा है। दोनों स्टॉक्स पर भी आपका टेक्निकल व्यू क्या है? श्रेयस शिपिंग हालांकि कल 5.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। पहले शेयर शिपिंग के बारे में बात करते हैं, इसका चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसने अभी फिलहाल पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के पीछे का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो वहां पे उसने मैं जो शैडो इंडिकेटर्स यूज करता हूं उसने नेगेटिव रुझान दिया है, तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक में थोड़ा कमजोरी चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक हो सकता है कि नीचे 270-267 तक भी नीचे आने की संभावना है, तो मेरा इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर नेगेटिव आउटलुक है। दूसरा आपने कहा था सैटिन, आई बिलीव इसका अगर हम देखते हैं तो ये एक अच्छे कंसोलिडेशन के यहाँ पे है, यहाँ पे खरीदारी करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। हम जो कंसोलिडेशन है उसके बेस के बहुत करीब है, करीबन 545 ये एक उसका बेस है, हम अभी 556 के लेवल पे करीबन ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। लक्ष्य जो रहेगा अगले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में करीबन 589 तक का हो सकता है, 589, और स्टॉप लॉस इसके लिए मैं 540 का रिकमेंड करूँगा।